तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मैच के दिन मैच खेलने जाने के पहले क्या क्या खा सकते हैं ताकि आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे फूड ऑप्शन दिए हैं जिसको आप अपने मैच के दिन इंक्लूड कर सकते हैं। वॉच इट टिल द एंड। Hey guys, this is Ankit Narayan, cricket and fitness trainer. Welcome back to our channel, Safal Future. और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसे ऐसे क्रिकेट ड्रेस और फिटनेस प्रोग्राम हमेशा हम आपके लिए लाते रहते हैं और उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछा कि मैच के पहले क्या डाइट होना चाहिए, मैच के पहले क्या खा के जाएं ताकि हम एक लंबा इनिंग खेल सकें या फिर एक पूरे लंबे मैच तक हमको भूख नहीं लगे। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे फूड ऑप्शंस बताऊंगा जिसको आप मैच के पहले खा सकते हैं। तो जब भी आप मैच खेलने जा रहे हैं तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मैच खेलने जा रहे हैं तो हमेशा लाइट खाने की कोशिश करें और वो खाएं जो आपके पेट पे वो हैवी नहीं लगता हो और आपको ऐसा नहीं लगता हो कि आई एम कैरिंग समथिंग इन माय बेली। चूज अ ब्रेकफास्ट वाइजली। पहला चीज मैं जो हमेशा अवॉइड करना चाहता हूँ और आई इवन रिकमेंड माई स्टूडेंट्स टू अवॉइड इट इज ईटिंग राइस। चावल खा के अगर आप मैच खेलने जाते हैं तो यू स्टार्ट फीलिंग लेथार्जिक और आप थोड़ा लेजी जैसा फील करते हैं। तो इट इज नॉट अ ग्रेट फूड टू हैव बिफोर योर मैच। पहला जो मील है वो है ओट्स। ओट्स को आप दूध के साथ खा सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक बाउल में बॉइल्ड दूध लेना है, उसमें आपको ऐड करना है ओट्स, उसमें ऐड करना है आपको कुछ कटा हुआ केला, आपको ऐड करना है हनी और एंड आपका ओट मील तैयार है। आप इसको खा सकते हैं बिफोर योर मैच। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे आपको क्या होता है कि आपको लंबे समय तक ओट मील जो है आपको फुल रखेगा। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कीप्स यू फुल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आप अगर आप 20 ओवर या 25 या 30 ओवर का भी मैच खेलने जा रहे हैं तो आप अगर ब्रेकफास्ट में ओट मील करके जाए तो इट इज ऑलवेज लाइट ऑन योर स्टमक, आपके स्टमक पे ज्यादा हैवी नहीं होता है, एट द सेम टाइम आपको फुल रखता है, सो यू डोंट फील हंग्री एवरी नाउ एंड देन। ये आप मैच के पहले मील में ऐड कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स में चना का स्प्राउट्स हो सकता है, मूंग का स्प्राउट्स हो सकता है या फिर सोयाबीन का स्प्राउट्स हो सकता है, किसी भी बीन्स का स्प्राउट्स हो सकता है। मैं हमेशा इसको प्रेफर करता हूँ और अगर मान लीजिए कि मेरा ओट रेडी नहीं है या फिर दूध नहीं है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्प्राउट्स खा के जाऊँ। ये भी आपको बहुत लंबे समय तक फुल रखता है, यू डोंट फील हंग्री फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, आपको कम से कम 2-3 घंटे तक तो भूख बिल्कुल नहीं लगने वाला है। यू कैन कंसिडर दिस बिकॉज इट इज अ ग्रेट मील बिफोर अ मैच। ऑल्सो आई एम नॉट लुकिंग एट द कैमरा बिकॉज आई एम लुकिंग एट माई व्यू फाइंडर सो दैट आई कैन सेट माई फ्रेम, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एनीवे, तो तीसरा फूड ऑप्शन है वो है ऑमलेट। ऑमलेट आप बना सकते हैं, ऑमलेट का एक सैंडविच बना सकते हैं, आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड के बीच में आप ऑमलेट डाल दीजिए। अगर आप कुछ सैलेड रखना चाहते हैं तो सैलेड रख लीजिए, एक एक अंडे का 2 ऑमलेट या फिर 2 अंडे का इकट्ठा 1 ऑमलेट, इसके साथ 4 या 5 ब्रेड आप ले सकते हैं, उसका सैंडविच बना सकते हैं। उसके अलावा कुछ सैलेड ले सकते हैं आप ताकि आपको ये फुल रखे एटलीस्ट 3-4 घंटे तक। उसके बाद लंच का टाइम हो जाता है, तब तक 3-4 घंटे के बाद तक आपका भूख मिट जाता है एंड इट कीप्स यू एनर्जेटिक, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है ब्रेकफास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका अर्लियर मील्स ऑफ द डे। लेट अस मूव ऑन टू द फोर्थ ऑप्शन। जो चौथा ऑप्शन है वो कि वो रेडिली अवेलेबल है आपके घर में, तो आप ये चौथा मील ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे कमेंट बॉक्स में, उन्होंने कहा था कि सर ओट्स अवेलेबल नहीं है घर में, मेरे घर में मैं ऑमलेट नहीं बना पाता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि सर मैं घर में मेरी मम्मी रोटी सब्जी बनाती है एंड दैट इज ऑल दैट आई कैन अफोर्ड एज ऑफ नाउ। ऑल्दो मैं ये तीनों पहले वाले तीनों ऑप्शन प्रेफर करता हूँ, लेकिन अगर रोटी सब्जी का ऑप्शन है तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट, आप रोटी सब्जी भी खा सकते हैं। सब्जी में आप कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, कोई ग्रीन वेजीज या फिर अगर आप पनीर अवेलेबल है तो पनीर खा सकते हैं, अगर आप चिकन खाते हैं तो चिकन खा सकते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर खाइए। कोशिश करें कि जो भी आप सब्जी खा रहे हैं वो हरा सब्जी हो, उसके साथ आप खा सकते हैं रोटी चपाती या फिर पराठा, लेकिन रोटी इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू, क्योंकि रोटी में यू डोंट हैव टू पुट ऑयल एंड यू डोंट हैव टू पुट एनी काइंड ऑफ फैट इन इट। रोटी क्या होता है कि आप 3-4 या 5 भी खा सकते हैं और आपको ज़्यादा कुछ हैवी फील नहीं होता है, लेकिन अगर आप चपाती या फिर पराठा जिसमें तेल लगा हो वो खाएंगे तो शायद आपको जल्दी फुल आपको लगेगा आपको कि पेट भर गया और इट मेक्स यू लेथार्जिक, आपको लेजीनेस जैसा फील होगा। तो ट्राई टू अवॉइड जो पराठा जिसमें ऑयल या फिर घी लगा हुआ हो, कोशिश कीजिए कि आप रोटी खा सकते हैं तो रोटी खाइए, रोटी सब्जी इज अ ग्रेट ऑप्शन। रोटी सब्जी के बाद अगर सैलड है, माइंड ब्लोइंग। नाउ द फिफ्थ ऑप्शन,
ये जो पांचवा ऑप्शन है ये कोई पर्टिकुलर मील नहीं है, ये आप स्नैक्स की तरह खा सकते हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए आपने ओट मील किया और आप चले गए ग्राउंड पे, आपको क्या होता है कि 2 घंटे या 3 घंटे के बाद आपको भूख लगने लगता है। अगर आपने चना खाया है सुबह में और आप मैच के लिए चले गए हैं, आपको क्या होता है कि एक इनिंग के बाद आपको भूख लगने लगता है। इसके लिए आप अपने बैग में कुछ केला रख सकते हैं, यू नो आपको थोड़ा सा भी भूख लगे, यू नो यू फील एपेटाइट, तो आप जाके आप केला निकाल के अपने बैग से खा सकते हैं। सो दैट इज अ रेडीमेड स्नैक्स। इंस्टेड ऑफ बाइंग चिप्स एंड बिस्किट्स एंड कीपिंग इट इन योर बैग, यू कैन टेक सम बनानास एंड कीप इट इन योर बैग। वो आपको कभी भी यू नो आप निकाल के खा सकते हैं, एंड दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर अ स्नैक्स ड्यूरिंग द मैच। तो ये जो मैंने पहले 4 ऑप्शंस बताए थे इसको खा सकते हैं आप, लेकिन जो 5वां ऑप्शन है ये स्नैक्स की तरह आप ले सकते हैं, ताकि यू नो आपको बाहर कुछ बिस्किट या फिर चिप्स या फिर यू नो ठेले पे से कुछ पानी पूरी या फिर ये सब खाना नहीं पड़े, आपके पास केला रेडीली अवेलेबल है, आप उसको खा सकते हैं। दिस आर माय रिकमेंडेशन फॉर योर फूड बिफोर योर मैच। आप मैच करने के पहले आप ये खा के जा सकते हैं, इट विल बी लाइट ऑन योर स्टमक, इट विल बी लाइट फॉर यू, और आप यू नो आप फुल भी रहेंगे, आपको भूख भी नहीं लगेगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, यू शुड नेवर हैव योर फूड जस्ट बिफोर गोइंग फॉर अ मैच। तो बेस्ट तरीका ये है कि आप यू नो मैच के 1 घंटे पहले अपना यू नो नाश्ता या फिर आपका खाना फिनिश कर ले, बी रेडी फॉर द मैच 1 आवर बिफोर द मैच स्टार्ट्स। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जिस दिन मैच हो उस दिन आपको तो वेल हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, तो जिस दिन आपको का मैच है उस दिन आप शुरू में ही खूब पानी पी सकते हैं। आप अपने यू नो कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड बिफोर द मैच, सो दैट जब मैच में जाएं तो यू नो पसीना जब बहे तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है ब्रेकफास्ट के ऊपर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आप क्या क्या ब्रेकफास्ट का आप अपना यू नो रूटीन बना सकते हैं, वो आप डेली खा सकते हैं, इट्स नॉट लाइक कोई एक स्पेशल डे हो। इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन ऑफ द डे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप मैच खेलने के जाने के पहले क्या खा के जाते हैं। आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू। आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का हमेशा वेट करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। टिल देन कीप स्माइलिंग, ईट हेल्दी एंड प्रैक्टिस हार्ड, बिकॉज़ आई बिलीव दैट यू माय डियर फ्रेंड आर अ फ्यूचर लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन।